क्वेश्चन है, इफ ऑल द वर्ड विद और विदाउट मीनिंग हैविंग फाइव लेटर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्मॉल एंड अरेंज इन डिक्शनरी फाइंड द पोजिशन ऑफ द वर्ड स्मॉल। मतलब स्मॉल वर्ड को में जितने लेटर्स हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 लेटर हैं, इनको डिक्शनरी के ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें तो स्मॉल वर्ड का कौन सा पोजीशन होगा। तो इसका सलूशन कुछ इस प्रकार होगा, एस एम ए डबल एल ये वर्ड है, डिक्शनरी में जो वर्ड होता है वो अल्फाबेटिकली अरेंज होता है, माने पहले ए वाला, उसके बाद बी, उसके बाद सी, ऐसे करते करते ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल है, दो बार एल है, एल के बाद एम आएगा और अंत में एस आएगा, है ना। तो पहले हम ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड को देखते हैं, अगर पहला वर्ड ए है तो उसके बाद 1, 2, 3, 4 आएगा, मतलब 1, 2, 3, 4 ये चारों आएगा। तो ये चार वर्ड है, इसको हम अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 4 बाई, दो बार एल है ना, फैक्टोरियल 2, यानी इसको हम अरेंज कर सकते हैं 12 उसके बाद ए के बाद में एल आएगा, एक एल ले लेंगे, तो जब एक एल यहाँ ले लेंगे तब यहाँ पर ए एल एम एस आएगा, इसको हम अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 4 बार, यानी कि 24 बार। एल के बाद एम आएगा, एम से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड होगा वो ए एल एल एस, ए एल एल एस ऐसा होगा, इसमें 2 एल का एक बार रिपीटेशन है, यानी इसको हम कर सकते हैं फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, यानी इसको भी कर सकते हैं 12 बार। एल के बाद अब एम से स्टार्ट होगा, एल एम हो गया, अच्छा उसके बाद एस, ए से स्टार्ट होगा वर्ड, जब ऐसे ले लेंगे तो यहां पर हमारा 1, 2, 3 बचेगा, तो ए ऐसे लेने पर एस और ए ले लिया तो एल एल एम बचा, मैंने 3 वर्ड बचा जिसमें 2 एल रिपीटेशन है, तो ए हो जाएगा फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, यानी ए हो जाएगा हमारा 3 बार। इस ए के बाद आएगा हमारा एस एल, एस एल एस एस और ए के ले लिया तब हमारा क्या बचा, ए एल एम, ये तीनों डिफरेंट हैं, ए एल एम ऐसा 3 डिफरेंट है, इसको हम अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 3 बार, यानी कि ये हो गया 6, है ना। अंत में हमारा ए वर्ड स्मॉल आएगा, एस एम ए डबल एल, ये तो एक ही वर्ड है, इन सबको ऐड कर देते हैं, 2, 2, 4, 4 और 2, 6, 2, 4, 6, 6, 2, 8, 8 और 3, 11, 11 और 6, 17,
17 और 118 का इट, कैरी 1, 112, 4, 5, 58, यानी हमारा जो 58 वर्ड होगा, 58 वर्ड इज एस एम ए डबल एल स्मॉल, हमारा आंसर होगा 58 वर्ड, है ना।